इस्लाम में जो आवाज नहीं आ सकती, इस्लाम में सबसे जो बड़ी किताब है, इस्लाम में क्या पूरी दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है वो कुरान पाक है। अब कुरान पाक में हर चीज का मसला है, हर चीज का मसला उसमें बताया गया, पैसे जीना है, हर चीज मतलब आप दुनिया डेली लाइफ में जितने चीज इस्तेमाल करते हैं या जितने काम हैं सारे कुरान शरीफ में है। लेकिन आपको पता है पहले कुरान की जो आयतें हैं वो कुरान की पहली आयत क्या है, मतलब कुरान की जो पहली आयत है इतना एप्लीकेबल है। अब बताइए इस्लाम में तालीम को कितना मतलब ये अच्छा समझा गया है, क्योंकि अभी भी बिहार हो या कहीं भी खास करके इस्लामिक लोग मुस्लिम तालीम में बहुत पीछे हैं। अब जिसका आगाज इतनी बड़ी कुरान उसका आगाज इकरा से हुआ था उसमें हम लोग पीछे हैं, कितने शर्म की बात है। ये हम लोग उसका जो पहला आया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कुरान की ये आयतें हैं पहली और सिर्फ तालीम के ऊपर दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला गया पढ़िए अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाह को पहले। हम लोग को तालीम में तो सबसे आगे होना चाहिए था, हर वो कौम सबसे आगे बढ़ी है जो तालीम में सबसे आगे होगी। ये तालीम हर चीज सिखाती है आपको। अगर आप एक किसान भी गांव में हैं और अगर तालीम याफ्ता हैं तो आपका एक किसानी करना भी एक अलग टाइप का आप एक मॉडल दुनिया के लिए मॉडल मिलेगा। किसान खेती कैसे करते हैं अगर तालीम आपके पास है तो किसी भी चीज का काम कीजिए आप, एक काश्तकारी भी काम करते हैं। अब हर चीज में अगर तालीम याफ्ता है तो आप उसमें बेहतर करेंगे तो आप सबसे आगे रहेंगे। अभी जो दौर में है इसराइल एक कंट्री है जो पैलेस्टीन से अभी हो रहा था, इसराइल पता है पहले बहुत सोच नहीं आता था, वो आगे इसलिए बढ़ी वो रिक्स लेना रिक्स लेना और वो बहुत अच्छी तालीम उसके घर में अभी भी है। हर घर में लाइब्रेरी किताबों से भी पूछती है, हर वो कौम आगे बढ़ेगी जो रिक्स लेना सीखेगी और उसके बाद जो तालीम में आगे बढ़ेगी। तो तालीम हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान भी है हदीस में भी है कि फर्ज तालीम को कर दिए गए मुस्लिम और उसके बाद उसमें भी हदीस में भी है तालीम। तो एजुकेशन और एजुकेशन के साथ साथ जो पहला हमारा नमाज है तो नमाज और एजुकेशन ये हमारे सबसे जरूरी है। और कुछ शहर भी अपने से लिखे हैं मतलब ये मदाकस का एक शहर है सुना देते हैं, दो शहर है। सुना है तेरे दिल में बहुत से लोग रहते हैं, सुना है तेरे दिल में बहुत से लोग रहते हैं, क्या तुम्हें पता है तेरे दिल में हम भी रहते हैं। सुना है तेरे दिल में बहुत से लोग रहते हैं, क्या तुम्हें पता है तेरे दिल में हम भी रहते हैं। किसी को ये बात बताना मत बड़ा सीक्रेट मामला है, किसी को ये बात बताना मत बड़ा सीक्रेट मामला है। मेरे दिल में सिर्फ आप हम बहुत सारे के दिलों में रहते हैं, मेरे दिल में सिर्फ आप हम बहुत सारे के दिलों में रहते हैं। एक और शेर है ये हम लोग कल लिखे हैं अपने से मतलब राम लाइक कुछ बोले हैं, उस्ताद नहीं हमें शागिर्द बनना है, उस्ताद नहीं हमें शागिर्द बनना है, कुछ नहीं कुछ भी बना लो बस तेरा बनना है, कुछ भी बना लो बस तेरा बनना है। हम औरतों को अपनी सर का ताज समझते हैं, हम औरतों को अपनी सर का ताज समझते हैं, तुम फिक्र ना करना हम औरतों को अपनी सर का ताज समझते हैं, तुम फिक्र ना करना तुम फिक्र ना करना हम अपनी जान से भी ज्यादा आपको जान समझते हैं, हम अपनी जान से भी ज्यादा। शुक्रिया सर। ये आज जो प्रोग्राम का इनेकाद हुआ हमारे अजीज जफर अली खान साहब ने कहा कि पोडियम जो है ऑफिस में रखी हुई है वो हमको दे दिया गया, तो हमने कहा कि पोडियम जो है आया ही है वो कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए आप लोग पढ़ाई करते हैं पोडियम के अगर लोग महसूस करते हैं तो ले जाइए। हमने उनसे सवाल किया कि क्या करेंगे पोडियम ले जाकर,
तो उनकी मुस्कुराहट जो है बहुत कुछ बयान किया, उसको हमने महसूस किया। तो हमने कहा उनसे कैसा है कि एक जो है छोटा मोटा प्रोग्राम की शुरुआत आज की।